हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की ये रीडिंग है आपकी विशेज़ को लेकर के। इसमें आपकी खुद की प्रेजेंट सिचुएशन और विश बताया जाएगा। आपको लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन आपकी यही है और विश आपकी यही है, तो फर्दर इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी ये विशेज़ फुलफ़िल होंगी या इसमें कुछ चैलेंजेस अभी बाकी हैं। सो ये सब आपसे मिलता है। देन आप अपने पर्सन के एंड से भी जान सकते हैं कि उनकी भी प्रेजेंट सिचुएशन कुछ इस तरह है, विश इस तरह की है और उनका भी क्या आउटकम निकलने वाला है। सो ये सब जानने के लिए आप रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें, गहरी सांस लें, गॉड को याद करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एंड से चेक करते हैं कि आपकी विशेज़ क्या हैं और क्या ये फुलफ़िल होंगी। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इन यस और नो। विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है 9 ऑफ कप्स, जो कि टॉप ऑफ द डेक में है। तो आप की जो विशेज हैं वो डेफिनेटली फुलफिल होंगी। यहाँ एस ऑफ वेंड्स है, क्योंकि जिस तरह से आपने डिसाइड किया हुआ है अपनी विश को फुलफिल करने के लिए, वो फ्रूटफुल होगा। सो आपकी विश तो यही है कि आप लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअली इमोशंस में रह सकें। फिलहाल हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार दिखाता है किसी बहुत बड़ी विश का होना और उसके फुलफिलमेंट को भी शो करता है साथ साथ। तो आपकी जो भी विश है डेफिनेटली वो फुलफिल हो रही है। आपके पर्सन जो आपसे मूव ऑन करके थर्ड पार्टी में चले गए थे, तो वो यहाँ भी बताया था, बट द स्टार कार्ड कह रहा है कि जो आपकी विशेज हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एक्वेरियस प्रोमिनेंट साइन आया है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन साइन भी यहाँ पर है। नंबर 2, 17, 6, 3, 1, 13, 16, 12 ये इंपॉर्टेंट साइन नंबर भी हैं। सो आपकी विशेज देखा जा सकता है कि इमिडिएटली फुलफिल होने वाली है। इसका मतलब है इमिडिएटली विद इन अ मंथ आपको आपके पर्सन के एंड से कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो। और थर्ड पार्टी सिचुएशन विद इन 3 to 6 months ओवर होती हुई भी दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम योर पर्सन एंड कि उनके साथ क्या चल रहा है और उनकी क्या विशेज़ हैं और क्या वो फुलफ़िल होंगी। सो अब आप अपने पर्सन पर फोकस करें। सो एट प्रेजेंट तो आपके पर्सन इट सीम्स लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में भी वो साथ साथ हैं। आपसे शायद नो कॉन्टेक्ट या नो कम्युनिकेशन में हैं। द मून कार्ड बता रहा है कि वो चाहते हैं अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। फीलिंग्स को वो किसी को भी फिलहाल शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इमिडिएटली उनके साथ कुछ इस तरह का होने जा रहा है। 7 ऑफ सॉर्ट्स, इमिडिएटली वो
जहाँ भी हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, अपने आप को चीट फील करने वाले हैं कुछ ही समय बाद। फोर ऑफ वेंट्स एंड द सन, तो डीप इनसाइड आपके पर्सन भी अपनी परमानेंट कमिटमेंट को लेकर के, वेडिंग को लेकर के या मैरिज को लेकर के जो भी प्लान कर रहे हैं डिस्टेंट फ्यूचर में, द सन फुलफिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। द सन टैरो डेक का मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कार्ड है, तो विशेस तो आपकी फुलफिल होने वाली हैं, आपकी विशेस इमीडिएटली फुलफिल होने वाली हैं विद इन अ मंथ, और 6 to 7 months आपको लगेंगे, 3 to 6 months आपको लगेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से फ्री होने को। वहीं आपके पर्सन के साथ इमीडिएटली विद इन अ मंथ कुछ इस तरह का एक्ट होने वाला है जिसमें वो अपने आप को चीटेड फील करेंगे, और 3 to 6 months के अंदर वो आपसे परमानेंट कमिटमेंट आपको दे सकते हैं अगर आप उनके लिए ये देख रहे हैं तो। एक एंजल्स गाइडेंस लेंगे आपके लिए और एक आपके पर्सन के लिए एज फार एज विशेज आर कंसर्न। आपके लिए है रिकवरी, आपकी जल्दी ही रिकवरी होने वाली है जिस भी सिचुएशन में आप हैं, और आपके पर्सन के लिए भी कहा गया है डोंट स्टॉप, रुके नहीं। बिग हैप्पी चांसेस आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाले हैं, और आपके पर्सन को कुछ सिचुएशंस को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। सो गाइज, दिस इज ऑल, योर विशेज आर गोइंग टू बी फुलफिल्ड, आपकी विशेज जल्दी ही फुलफिल होने वाली हैं, एंड आपके पर्सन को थोड़ा समय लगेगा इन सब चीज़ों के फुलफिलमेंट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।